हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब माम चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और यहाँ पर भी प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम, न्यूबॉर्न केयर आइडियाज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो कि डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। आज की वीडियो में डिलीवरी के जस्ट बाद तुरंत रिकवर होना है, एनर्जी नहीं मिल रही, बहुत शरीर दुख रहा है, बहुत थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है शरीर टूट गया, अब उसके बाद आप क्या करें, या फिर सी सेक्शन हुआ है तब भी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सी सेक्शन हुआ हो, आज जो मैं सूप आइडियाज आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत एनर्जी देंगे, बहुत सारा ताकत देंगे, न्यूट्रिशन बहुत सारा देंगे क्योंकि न्यूट्रिशन का भंडार है और आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा एंड कहीं पर भी कोई भी इनको मना नहीं करेगा लेने से कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप इन सभी चीज़ों को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ले सकते हो। तो सूप एक ऐसा फूड है कि फ्लूड होता है, इजीली लिया जाता है और इसको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो जैसे ही आपका डाइट चालू होता है आप इनको ले सकते हो। तो सबसे पहला जो सूप है वो टमाटर बीटरूट का है, गाजर मिलता है तो आप गाजर भी इसमें शामिल कर सकते हो। इन तीनों चीज़ों को आपको स्टीम करना है, इसका प्यूरी बनानी है एंड इसको पका लेना है, थोड़ा सा अरारोट इसमें डालें थिकनिंग के लिए एंड इसका सूप प्रिपेयर करें। ये आपका जो ब्लड लॉस चल रहा है जस्ट आफ्टर डिलीवरी उसको भी कॉम्पनसेट करने में हेल्प करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट है तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन को बूस्ट करेगा, एनर्जी बहुत अच्छी देगा, ताकत का खजाना है, तो इस सूप को आप पी सकते हैं। डिलीवरी के जस्ट बाद गोंद का सूप भी लिया जा सकता है, सिंपल जिस गोंद के लड्डू बनते हैं जिसको घी में सेका जाता है वो गोंद आप लीजिए, 2 चम्मच गोंद लीजिए एक जने के सूप के प्रिपरेशन के लिए, और इसमें आप थोड़ा सा बाजरी या गेहूं या सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हो, रागी का आटा भी 1 चम्मच ले सकते हो। तो 1 टेबलस्पून 15 ग्राम के लगभग आपको कोई आटा ले लेना है, उसको आप सेक के निकाल लीजिए, फिर गोंद को घी में सेकें और फिर इसमें पानी डालें, पिघल जाएगा पानी में, बिल्कुल वो सूप के फॉर्म में घुल जाएगा तो टोटली, फिर उसमें आप आटा ऐड करें, जैगरी पाउडर ऐड करें और उस सूप को आप ले सकते हो। आपकी चॉइस अगर नहीं है तो आप आटा न डालें, आप चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स उस सूप में डालें, धीरे धीरे ठंडा होने पर उसकी थिकनिंग भी होती है और उस सूप को एनर्जी के लिए आप पी सकते हैं। गांवों में पुराने समय से बाजरी का सूप दिया जाता है, तो बाजरी के आटे को घी में रोस्ट करना है, थोड़ी सी आप उसमें अजवाइन ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा तिल आप उसमें ऐड कर सकते हो, 2 चम्मच बाजरी का आटा आप लें, उसको अच्छे से घी में रोस्ट करें और गुड़ को पानी में आप घोल के रख सकते हैं, गुड़ का पाउडर अगर आपके पास है तो बेस्ट आइडिया है, तो उसमें पानी डालें और गुड़ का पाउडर ऐड करें और उसको अच्छे से पका लें, कंसिस्टेंसी बराबर आ जाए तब आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये एनर्जी पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए और आराम भी मिलेगा इस सूप को पीने से आपको। इसके बाद आता है साबूदाना। साबूदाना एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप साबूदाने को भिगोए वो साबूदाने को लीजिए, 2 घंटे एटलीस्ट साबूदाने अगर भीग जाते हैं उसके बाद उनको पानी में पकाइए और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, शुगर डाल सकते हो, थोड़ा सा दूध भी आप ऐड कर सकते हो पकने के बाद, और उसके सूप को भी पतला सूप आपको प्रिपेयर करना है, और कई बार साबूदाने टोटली घुल जाते हैं अच्छे से तो वहां तक आपको पकाना है कि साबूदाने साबुत ना रहे, क्योंकि ये हमें पीना है, च्यू नहीं करना है इसको बिल्कुल भी, और इसमें बिना दूध ऐड किए या दूध ऐड करके दोनों तरीकों से साबूदाने के सूप को आप ले सकते हो। साबूदाने के सूप में थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा जायफल और बारीक कटे हुए काजू और कुछ नट्स अगर आप डालते हैं तो ये भी आपको उसमें अच्छा टेस्ट देंगे। तो डिलीवरी के जस्ट बाद ये आइडियाज अपनी फैमिली से जरूर शेयर कर दीजिए कि आपको दी जा सके, जो भी अच्छा लगता है आप इसे डिलीवरी के तुरंत बाद यूज कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।